नमस्कार दोस्तों, टूलबॉक्स चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेश कुमार शर्मा और मैं प्लांट से संबंधित और फीटर से संबंधित जानकारी लेके आता हूं। आज का टॉपिक है 5 मिलीमीटर का डायल टेस्ट इंडिकेटर। तो 5 मिलीमीटर का डायल टेस्ट इंडिकेटर के बारे में आज हम लोग समझेंगे और नए डायल टेस्ट इंडिकेटर को कैसे सेट करते हैं, इसके पार्ट्स को, ये सारी जानकारी हम लोग समझेंगे। अभी मेरे पास एक डायल इंडिकेटर है, एक नया वाला डायल इंडिकेटर है। अभी हम लोग इसको खोलेंगे और खोल के और इसका पार्ट्स को देखेंगे और इसको कैसे सेट करते हैं और इसकी जानकारियाँ हम लोग लेंगे। तो अभी बॉक्स को खोल के देखते हैं और इसमें क्या क्या है पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये पन्नी के साथ में, प्लास्टिक के साथ में एक अच्छे से पैकिंग किया हुआ है ताकि इसमें धूल कण और रस्ट ना पड़े। दूसरा भी देख लेते हैं और इसमें क्या है, और इसमें एक छोटा सा पैकिंग में ये दिया हुआ है, इसको भी हम लोग समझेंगे कि क्या है। पहले ये डायल गेज को देख लेते हैं। ये डायल गेज आपका 5 mm का डायल गेज है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये जो छोटी वाली घड़ी आपको दिख रही है, जो एस्माउ डायल पॉइंटर है, इसमें आपका 5 मिलीमीटर का रीडिंग दिखाएगा। और बड़ी वाली जो डायल गेज रहता है वो 10 मिलीमीटर का रहता है। तो बड़ी वाली डायल गेज पे मैंने एक पहले से ही वीडियो बना रखी है और उसमें डायल गेज के क्या पार्ट्स होते हैं और सारी जानकारी उसमें बताई गई है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले वाली वीडियो को देख लें, तो उससे आपको जानकारी अच्छे से मिल जाएगी और सारे पार्ट्स के बारे में भी आप समझ लेंगे। इस डायल गेज का भी लिस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर है और इसका जो पार्ट्स बॉक्स में है उसको कैसे सेट करना है और वो क्या है हम लोग समझेंगे। अभी ये स्क्रू को खोल लेते हैं और इसको खोलने के बाद में हम लोग देखेंगे कि इसमें कैसे ये क्लैंपिंग के लिए स्क्रू दिया हुआ रहता है। और इसको खोल के हम लोग क्लैंप करके देखेंगे कि क्लैंप कैसे फिक्स किया जाएगा। तो अभी मैंने इसे खोल दिया है और खोलने के बाद में अभी हम लोग ये दूसरी वाली जो पैकेट है इसको भी खोल लेते हैं और इसमें देख लेते हैं क्या क्या है और इसको कैसे यूज करना है। इसको खोल के अभी हम आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें क्या है। ये देखिए, इसमें आपको मैं बता दे रहा हूँ कौन सा क्या पार्ट है और ये कहाँ लगने वाला है, मैं आपको दिखाऊंगा और समझा भी दूंगा अच्छे से कि ये कहाँ यूज होता है। तो अभी सबसे पहले हम लोग ये जो क्लैंप का होल का क्लैंप वाला हम लोग जो खोले हैं तो इसको फिक्स करेंगे। कैसे सेट करना है मैं दिखा देता हूँ। ये छोटे वाले स्क्रू को इस लॉक प्लेट में ऐसे सेट करना है सबसे पहले, और सेट करके इसमें सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद में इसको डायल गेज पे लगाएंगे, डायल गेज पे लगा के और कैसे ये लॉक करता है मैं आपको दिखाऊंगा। ये अभी मैं इसको सेट कर दिया हूँ और सेट करके इसको मैंने सेट कर दिया। अभी यहाँ हम लोग इसको सेट करेंगे और सेट करके देखिए ये मैंने सेट कर दिया है
और सेट करके कैसे इससे रीडिंग लेने के बाद कैसे लॉक किया जाता है और जी डायल सेट करके कैसे लॉक किया जाता है मैं इसको समझा दे रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपका डायल जीरो सेट करना है तो जीरो पे इस तरह से ले आके और ये जो क्लैंप है जो लॉक स्क्रू है उसको टाइट कर देना है। टाइट कर देने से आपका यदि आप टाइट कर देते हैं तो ये जो डायल गेज का ये जिसको हम लोग घुमा के रीडिंग चेक करते हैं इसको बेजल बोलते हैं। ये बेजल आपका घूमेगा नहीं यदि ये आप अच्छी तरह से इसको लॉक कर देते हैं और ये अब घूमेगा नहीं तो आपका रीडिंग इधर से उधर नहीं होता है। और इसी तरह से आपका ये कॉन्टेक्ट पॉइंट है जॉब का, किसी भी जॉब को चेक करने के लिए ये जॉब पर कॉन्टेक्ट होता है। और ये फ्लैट में है तो ये आपका यूज करने के लिए आप जैसे रोल हो गया या राउंड बार हो गया राउंड सरफेस पे इसको यूज करते हैं उसके लिए ये दिया हुआ रहता है। और एक दूसरा भी इसका कॉन्टेक्ट पॉइंट दिया है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये दूसरा कॉन्टेक्ट पॉइंट है और इसको भी सेट करके देखेंगे। और ये कहाँ यूज होता है ये आप फ्लैट जो जॉब रहेगा फ्लैट जॉब पर इसको यूज करना है तो वहाँ हम लोग इसको सेट करते हैं इसके साथ में। और ये छोटा वाला भी एक ये दिया है दो पीस, इसका क्या यूज है ये भी समझ लेते हैं। ये मार्कर है आपको रीडिंग को कहाँ पे सेट करना है और कैसे सेट करना है चेक करना है उसके लिए ये मार्कर दिया हुआ रहता है। और मार्कर से आप दूर से भी पता कर लेते हैं कि थोड़ा दूर से भी पता कर लेते हैं कि आपका रीडिंग कहाँ पे है और कहाँ से कहाँ तक हम लोग को रीडिंग आगे तक लेके जाना रहता है। ये आप अच्छे से और दूर से भी पता कर लेते हैं, इसको मैं सेट करके आपको दिखाऊंगा। ये सेट हो गया है और ये सेट हो जाने के बाद में इससे हम लोग चेक कर सकते हैं, इसको स्लाइड करके भी आगे पीछे जहां आपको सेट करना है वहां इसे हम लोग सेट कर लेते हैं। तो और ये जो ये डस्ट कैप है इस डस्ट कैप अंदर में डस्ट को जाने से रुकता है और डस्ट को नहीं जाने देता है। तो इस तरह से आज मैंने 5 मिलीमीटर का डायल गेज के बारे में समझाया है और इसका जो पार्ट्स है कैसे सेट किया जाता है को समझाया है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर कमेंट करें चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।